रेड भाई जी यार भैया से बताते हैं ना हलवा के भाई बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत मस्त हूँ। सो मैं आज जा रहा हूँ कानपुर इंटरव्यू देने के लिए। मैं जा रहा हूँ, हर्ष भाई जा रहे हैं, दो लोग मैनपुरी से जा रहे हैं और दो भाई कन्नौज से आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, रेडी हो चुका हूँ मैं। सो दोस्तों, मैं 3 बजे उठ चुका था क्योंकि मेरी ट्रेन यहाँ से 4 बजे की है मैनपुरी से। तो अभी मैं नीचे जाके रेडी वेडी हो चुका हूँ और चाय वाय पी के अभी फटाफट मैं निकलता हूँ यहाँ से स्टेशन के लिए। एक भाई मुझे रास्ते मिलेगा, तो चलिए सबसे मिलवाते हैं। और अभी क्या कर रही हैं भाभी? हमारी चाय बना रही हैं, देखो। और पराठे सेंक दिए भाभी ने। क्या बना दिए भाभी? वाह यार, भाभी ने पराठे चाय बना दिया आराम से। आज रात में राहुल भाई भी मेरे साथ लेटा था, ये देखो सो के उठ गया, यही मुझे छोड़। चलिए हम निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी। राहुल भाई हमारे जा रहे हैं छोड़ने के लिए हमें, और एक भाई और मिलेंगे अभी हमको, वो वहाँ से पिकअप करेंगे उनको। तो अभी चलते हैं जल्दी, लेट वैसे भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो हर्ष भाई हमें मिल चुके हैं, ये खड़े हैं हर्ष भाई। आइए हर्ष भाई बैठिए, कैसा लग रहा है यहाँ पे खड़े? कितनी देर से खड़े हो? हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, बस लेट हो गए ट्रेन के लिए, ट्रेन ना छूट जाए। तो हम आ चुके हैं मैनपुरी के स्टेशन पर। ये देखिए हमारे तिरंगा लहरा रहा है मैनपुरी का। हर्ष भाई तुम स्मार्ट लग रहे हो रियल में। और मैनपुरी के स्टेशन पे मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये अपना। तो हर्ष भाई यहाँ से ले रहे हैं ट्रेन की टिकट, टिकट हम लोगों ने ले ली है, अब चलते हैं। तो हमारे राहुल भाई घर जा रहे हैं। राहुल भाई घर जा रहे हो तुम? जी। तो घर जाइए आराम से, रजैया ओढ़ के सो जाना क्योंकि तुम्हें जगना भी है अभी थोड़ी देर बाद, दुकान भी खोलनी है। ठीक है, बाय बाय। हम लोग चले जाएंगे, बैठ जाएंगे आराम से, बता देंगे। ठीक है जी। भाई हम लोग 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। हम लोग सोच रहे थे बहुत जल्दी आइए, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए, हम लोग छूट जाए, लेकिन अभी 1.5 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटे से ट्रेन नहीं आ रही है। अभी भी हम वेट कर रहे हैं बहुत देर से। हमारी ट्रेन आ चुकी है, 1.5 घंटे बाद ट्रेन आई है। ये देखिए कब से वेट कर रहे थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे हम लोग। ये देखिए ट्रेन की क्या कंडीशन हो रही है, धक्का मुक्की। सो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर, और हमको दो लोग भाई और मिल चुके हैं। अंशुल भाई मिल चुका है हमारा, और अरुण, ये लोग हमें स्टेशन पे मिल गए थे क्योंकि मैं सो गया था, इस वजह से मैंने देख नहीं पाया था इन लोगों को। तो अभी हम लोगों की हालत देखो कैसी हो गई है, सो के आराम से उठ के आए थे भाई। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कितवई नगर के लिए, अभी हम लोग ऑटो करेंगे यहाँ से कितवई नगर के लिए, ऑटो पकड़ेंगे। थोड़ा स्टेशन पे रुक के थोड़ा अपने आप को मैंने किया टचअप, थोड़ा अपने ठीक लग रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू देने जाऊँगा, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो हम लोगों को कितवई नगर के लिए ई रिक्शा मिल चुका है, अब हम लोग पहुँचते हैं कितवई नगर, फिर वहाँ का दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं पता। तो हम लोग आ चुके हैं कितवई नगर पे, और कितवई नगर पे रुक के मैंने सोचा कि थोड़ी चाय पी ली जाए क्योंकि नींद नींद खुल जाए ढंग से, अभी नींद नहीं खुली है, चाय पी के मूड फ्रेश हो जाए, कुछ खा भी लें। भाई आ चुके हैं। अरे भाई सुधीर भाई कैसे हो? और बढ़िया। सुधीर भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। कानपुर की स्पेशल चाय अपने ग्रुप के साथ। ये देखिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए हम लोग आए थे, तो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, ये लग रहा है कि ISPCS का इंटरव्यू है। तो
चलिए दोस्तों, तो हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, हम 5 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब रह गई कॉल आने के लिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यार से दिया हम लोगों ने इंटरव्यू, और हम लोगों की जब कॉल आएगी तो हम लोग फिर दोबारा आएंगे, देखते क्या होता है आगे का, तो बाद में बताएंगे। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने पीने के लिए। सुबह का इंटरव्यू दिया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मैं, सुधीर और सब लोग जा रहे हैं। भाई आ जाओ, चलो। तो हम लोग आ चुके हैं स्पाइसी फास्ट फूड, और अंदर अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर का सिस्टम। हर्ष भाई देखो भाई, ऑर्डर वॉर्डर दो अच्छा सा, कुछ खास, कुछ नया अच्छा सा ऑर्डर दो भाई। आ जाइए, चिल ठंडी स्टिंग पी लीजिए आके। धीरे धीरे नहीं बोलते हम, स्पेशली पनीर मंचूरियन, ये देखिए कितना स्वादिष्ट है भाई, खाने के बाद तो फिर तो आनंद ही अलग आएगा। क्यों हर्ष भाई, मजा आ जाएगा ना आज तो। अभी एक चीज और रह गई आने के लिए, वो भी दिखाएंगे अभी। खा लो आके भाई, बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है। अरे खा यार, नूडल्स आ जाएंगे बाद में, खा लेना, थोड़ा स्टार्टिंग करो। अरुण देखो कितने मस्ती से खा रहा है। खाओ यार हर्ष भाई, अंकल खाओ ना। हमारी दूसरी डिश आ चुकी है नूडल्स, अभी खाएंगे हम सब लोग, सब आके नूडल्स। हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया, अब थोड़ा एक डिश और रह गई है, पिज्जा रह गया आने के लिए, तो पिज्जा खा के फिर यहाँ से निकलते हैं स्टेशन के लिए, लेट हो रहा है वैसे भी। वाओ, पिज्जा आ चुका है, अब हर्ष भाई हमारे कैसे खाएंगे, हीला सूखा कर लो ना इसको। हर्ष भाई हमारे देखो कितने प्यार से खा रहे हैं, मजा आ रहा है हर्ष भाई, खा पी के ये देखो कैसी लेथन मचाई है, सबसे ज्यादा इसने मचाई है, और उसके बाद अंशुल ने, और हर्ष भाई तो हमारे भी एक्सप्रेस, कौन सी पैसेंजर, लेके भी जा रहा है पैसेंजर एक्सप्रेस खाने में, वो तो कहते मैं घर लेके जाऊंगा, ये घर लेके जाएगा ना भाई। खाए पी के एकदम मस्त हो गया, अब यहाँ से हम लोग को निकलना जल्दी, स्टेशन का टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। ये भाई का बिल है, और अभी हमारे सुधीर भाई पे कर रहे हैं, ये आ गया ड्रामा पे करने वाला, और चलते हैं यहाँ से। ओके बाय। तो हर्ष भाई अभी यहीं पर रुकेंगे, और ये लोग अभी घूमेंगे कानपुर, तो मैं निकलता हूँ। ओके अंशुल भाई, मैं चलता हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। ओके बाय बाय भाई। जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया ना, 650 लोग थे, 650 लोगों में हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों का हो जाएगा। क्यों अंशुल भाई? यस बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं था, हम लोग सोचा कि अब आए हैं तो कुछ नहीं ऐसे घूम के चले जाएंगे, कि यार 650 लोगों में एकदम होना बहुत पॉसिबल बात नहीं, इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ हो गया, अच्छा हुआ। अब देखो 2-3 दिन बाद कॉल आएगी, फिर क्या होता है बताएंगे फिर आपको। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुँचने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं अनवरगंज स्टेशन पर, और ये लोग वैसे मना कर रहे थे कि नहीं जाएंगे, अब हमारे साथ ही जाएंगे ये लोग। ये लोग उतर जाएंगे कन्नौज, और मैं जाऊंगा सिंगल मैनपुरी, क्योंकि तो मुझे काम है इस वजह से, है ना। कौन? कन्नौज के हमारे मोहसिन भाई मिल चुके हैं। और मोहसिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया। मिल चुके हैं, कल आपका मैसेज आया था, देखा था। तो दोस्तों, अभी मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरे 3 भाई अभी जा रहे हैं यहाँ से, कन्नौज उतरेंगे, और कन्नौज उतरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, मैनपुरी में अकेला जा रहा हूँ। ओके भाई लोगों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो हे दोस्तों, मैं रात में लेट आया था, इस वजह से मैंने एंडिंग नहीं कर पाई थी वीडियो की। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, प्लीज पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और भी नए ब्लॉग और भी नए अपडेट डालते रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।